अब मैं एंटर हो रही हूँ नाइफ मार्केट में, स्पेसिफिकली नाइफ मार्केट यहाँ। दिस वन नाउ, अभी अगर 150 का लगा हुआ है तो मैं अगर बार्गेनिंग करूँगी तो ये 100 का भी दे देगा या 120 तक का दे देगा बंदा। मुझे ये दो लॉकर्स अच्छे लगे बट मैं कन्फ्यूज हूँ कि कौन सा वाला ज़्यादा प्यारा है, दिस वन और दिस वन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं मरियम और आज मेरा पाकिस्तान ट्रिप की शॉपिंग का डे 3 है और आज मैं करने वाली हूं अपायों की शॉपिंग। तो मैं जा रही हूं डेरा जो कि ज़रा देसी टाइप की मार्केट है, वहां पे ओपन मार्केट्स ओपन शॉप्स होती हैं और आप एक एक शॉप में जाओ और जाके जो आपको लेना है ले लो। मेनली मैं जाऊँगी नाइफ सूक। तो हम लोग अब ऑलमोस्ट डेरा पहुंच चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मुझे डेरा वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। ये देखिए ओपन मार्केट नज़र आना शुरू हो गई है, दिस इज़ द फीलिंग ऑफ डेरा डेरा मार्केट। यहाँ बहुत बैचलर्स होते हैं क्योंकि जो भी जॉब करने के लिए गाइस आए हुए हैं यहाँ पे वो ज़्यादातर डेरा में ही रहते हैं। अब यहाँ देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ कितना रश होता है, इसलिए मैं इस मार्केट में आने का बहुत अवॉइड करती हूँ, बस साल में एक दफ़ा, ओनली वंस। इतने बैचलर्स होते हैं, लुक एट द नंबर ऑफ पीपल क्रॉसिंग रोड। समटाइम्स सिग्नल जो है वो पेडेस्ट्रियन के लिए बंद होता है, स्टिल दे डोंट स्टॉप एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट। ये देखें यहाँ पे सारे अतर और ग्लासेस वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ से अबाई की शॉप स्टार्ट होगी और साथ में मोबाइल फोन्स की शॉप्स हैं। निकलिंग आपको नजर आ गई ना येलो कलर की, ये है नाइफ सूक। पार्किंग इज फुल तो इसीलिए हम यहाँ तो नहीं जा सकते, अब हमें बाहर ही कोई पार्किंग प्लाजा ढूंढना पड़ेगा या वैसे कोई RTA की पार्किंग मिल जाए तो उसमें लगानी होगी। इस बिल्डिंग को लगता है बहुत ज़्यादा खुशी है नेशनल डे की, इसी मैंने अपने आप में सजाया हुआ है। आगे भी सजाया हुआ है इस बिल्डिंग को, तो बहुत ज़्यादा प्यारा सजाया हुआ है इन लोगों ने। ये देखें यहाँ सारे बच्चों के आइटम्स नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। आई जस्ट लव द फीलिंग ऑफ, मुझे कराची का लुक फील आता है जैसे कि आप राबी में या फिर तारिक रोड पे या कहीं हो जहाँ पे अलग अलग दुकानें हैं, अंदर जाके आप खरीद रहे हैं चीज़ें, बैग्स, पर्सेस, कंदूरा, शूज़। फाइनली हमको एक पार्किंग प्लाजा मिला है, कार पार्क रेंटल, जहाँ पे हम अंदर जाके पार्किंग लगाएंगे। पार्किंग के जो मैनेजर हैं वो तो बड़े एडवांस हो गए भाई, वॉकी टॉकी यूज़ कर रहे हैं आप एक आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे पीछे पीछे। ये पठान भाई हैं हमारे, पठान भाई हैं। हम पार्किंग से बाहर जा रहे हैं और हमने आज अपना ट्रेडमिल नहीं किया था तो थोड़ा सा इंक्लाइन ट्रेडमिल हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, बस अब वॉक करते जाना है जैसे हम पाकिस्तान में वॉक किया करते हैं मार्केट में, और चीज़ों को जो जो अच्छा लगे लेते जाना है। प्राइस स्टार्ट्स एट 35 AED। ओपन स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, कम्प्लीटली ओपन है इनको, शॉप का बस बाहर का एरिया दिया हुआ है, उस पर इन्होंने अपना सारा सामान डिस्प्ले किया हुआ है। मैक्सीज हैं, ये फैंसी अरेबिक स्टाइल ड्रेसेस हैं, गाउन जिसे कहा जाता है। अब मैं एंटर हो रही हूँ नाइफ मार्केट में, स्पेसिफिकली नाइफ मार्केट। यहाँ बाहर भी बहुत सारी शॉप्स हैं लेकिन मैं एंटर होके अंदर जाके देखूंगी, अंदर की वैरायटी एक्सप्लोर करूंगी, उसके बाद देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ती बाहर आने की। आप लोग को एक ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ कैसा है, लेडीज़ आई हुई। अच्छा यहाँ से अवाई नहीं होती, अभी ज्वेलरी वगैरह भी सेल आउट हो रही होती है, जैसे यहाँ पे लेडीज़ बार्गेनिंग कर रही है। हाँ ये तो मैं बताना भूली गई कि यहाँ बार्गेनिंग हो जाती है, आमतौर पर जो मॉल्स वगैरह हैं वहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होती ना, आपको जाना है जो प्राइस लिखी हुई बस उस प्राइस में ले लेना, लेकिन यहाँ ये खास बात है कि यहाँ बार्गेनिंग हो जाती है। लुक एट दिस वन नाउ, अभी अगर 150 का लगा हुआ है तो मैं अगर बार्गेनिंग करूँगी तो ये 100 का भी दे देगा या 120 तक का दे देगा बंदा। ये पिंक एंड ग्रे मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन ये 130 का बताया उन्होंने, लेट मी सी कि मैं इस, बट इज जस्ट द फर्स्ट थिंग आई लाइक। मेरी बड़ी बहन जो यूके में होती है, शी वॉन्टेड टू हैव सम हिजाब्स, क्योंकि वो हिजाब लेती हैं यूके में, तो मुझे कुछ नज़र आया यहाँ पे जो मैं उनके लिए खरीदने वाली हूँ। सो आई जस्ट शो द कलर्स, ये सारे कलर्स हैं और मैं इनमें से कोई तीन चार उनके लिए लेने वाली हूँ।
प्राइस है भाई? 126। और कलर भी है? नहीं, एक ही कलर है। ये वाला बाया मुझे पसंद आया है, इसकी बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई हुई हुई है और बहुत डिफरेंट स्टाइल है। एक ये और एक ये, तो ये मैंने फाइनल कर लिए हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैंने किसके लिए फाइनल किए, क्योंकि मुझे सरप्राइज रखना है। व्लॉगिंग के चक्कर में सारे सरप्राइज तो ख़त्म हो रहे हैं वैसे, बट आई लाइक दीज। इनके पास और भी अच्छी वैरायटी है, ये देखेंगे कितना खूबसूरत है। मुझे अपने लिए भी एक लेना है, बट आई एम जस्ट स्टिल थिंकिंग कि मैं कलर में लूँ या ब्लैक ही ले लूँ। सोच के तो कलर में आई थी। ये सब कुछ है इनके पास। हमें जो बाय पसंद आए थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे, और जिस रेंज का मैं सोच कर आई थी उसमें वो नहीं मिले। बार्गेनिंग के बाद भी उसने कम नहीं किए, तो हम वहाँ से निकल गए हैं। बस एक प्लेन अबाया ले लिया है रेगुलर वेयर के लिए, सिस्टर के लिए, और अब दूसरी दुकानों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हमको ये तीन पसंद आए क्योंकि इनकी भी जो स्टाइल है वो वैसे ही है जो मैं वहाँ देख कर आई थी। अभी हम इनसे प्राइस के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये रेगुलर वेयर के लिए। सो देखते हैं कि अब ये भाई हमारे प्राइस जो है वो हमारे लिए सही कर दें। इनके पास अच्छी वैरायटी है, आप लोग भी आएँ इनकी शॉप पे। मैं नाम बताऊँगी इनकी शॉप का। क्या नाम है भाई आपकी शॉप का? रोज़ लेडी कॉर्नर। रोज़ लेडी कॉर्नर, यहाँ पे बहुत अच्छे अब आए हैं। अच्छा, मैंने जो ब्राउन लीफ शेप वाला था वो आउट कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा उसके मुकाबले में प्यारा है। इसकी कढ़ाई हसी ज़्यादा अच्छी लग रही है इसकी। और हमने ये फाइनल कर लिया, इन्होंने हमारी प्राइस में हमको दे दिया है, और वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस वन, दैट वन एंड दिस वन। और ये वाला मैंने पसंद किया है अपने लिए, वेरी नाइस क्लासी। इसका जो इन्होंने सेल्फ एम्ब्रॉयडरी की हुई है, एम्बोज है एम्ब्रॉयडरी, वो बहुत प्यारी है। सो आई एम गोइंग फॉर दिस वन। अच्छा जी, अबाया की शॉपिंग तो हो गई। मैंने सोचा मैं अपनी एप्पल वॉच के लिए स्कैप देख लेती हूँ, और अपने आईफोन 14 के लिए कवर्स देख लेती हूँ। मैं इस शॉप पे आई हूँ। ये वाला कलर मुझे अच्छा लगा है, मैं ट्राई करूँगी ये कैसा लगेगा। हाथ के ऊपर कवर भी लिया, ऑलरेडी कवर लगा हुआ है उसके ऊपर। अब यहाँ पे पाकिस्तान बेस्ड रेस्टोरेंट्स हैं। ये पाक लियारी बड़ा मशहूर है निहारी के लिए। अब मुझे नहीं पता यहाँ हाइजीन लेवल क्या होगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हूँ इस मामले में। काबुल दरबार, तो अबाया मैंने ख़रीद ली है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द डिज़ाइन एंड स्टाइल एंड द प्राइस ऑफ अबाया। एंड आई एम श्योर कि जिनके लिए मैंने वो लिया है उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और बहुत खुश हूँ कि मुझे बिल्कुल जैसे मैं चाह रही थी कि यूनिक एंड स्टाइलिश चीज़ मिले, वैसी चीज़ मिली है, वो भी अपनी प्राइस में। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो टाइम बच गया है, 9 बजे हैं सिर्फ। मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स भी ख़रीदने थे, लाइक एपिलेटर, हेयर ड्रायर एंड सो सम थिंग्स लाइक दैट। तो मैं सोच रही हूँ कि कारफोर चली जाती हूँ। वाला गाना मुझे बड़ा पसंद है, आप लोगों को कैसा लगता है? पुराना गाना है लेकिन मुझे बल्कि कौन कौन से गाने आप लोगों को पसंद है पुराने, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन से गाने पुराने पसंद हैं। आई लाइक दिस वन। फाइनली मैं सेंचुरी मॉल आ गई हूँ, एंड कारफोर साइट पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बस अंदर जाती हूँ और जो चीज़ें लेनी हो लेती हूँ, वाइंड अप करती हूँ, और उसके बाद घर जाती हूँ। रियली हंग्री ऑल्सो, कुछ खाने का भी दिल चाह रहा है। Going inside. Enter होते ही जो है मुझे ये चॉकलेट का फाउंटेन नज़र आ गया। पानी आ रहा है मुझे यार, बड़े मज़े का लग रहा है। भाई से यहाँ से गुजर रही थी, मुझे ये सिल्वर की शॉप नज़र आई है। इतनी हसीन हसीन बैंगल्स हैं इनके पास, ब्रेसलेट्स हैं। लुक एट दिस, सिल्वर है ये, बिल्कुल डायमंड का लुक दे रहा है। एंकलेट्स भी हैं, क्योंकि मेरी फेवरेट है, मेरी कमज़ोरी है, आई लव एंकलेट्स। क्या नाम है शॉप का? आपकी शॉप का नाम क्या है? सिल्वर गैलेक्सी। सो आई एम गोइंग चेक आउट सम थिंग्स फॉर मी। मुझे ये वाला लॉकेट अच्छा लगा है। वेट, लॉकेट दिस साइड
और ये सारी चेन्स हैं। मुझे ये दो लॉकेट्स अच्छे लगे बट मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा वाला ज़्यादा प्यारा है, दिस वन और दिस वन। मेरे ख्याल से मैं ये लेने वाली हूँ। वैसे आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने सही चूज़ किया है या आप लोगों के हिसाब से मुझे दूसरा वाला चूज़ करना चाहिए। राइट, कैसा लग रहा है आप तो बताइएगा मुझे। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। सिल्वर, आई थिंक आई लव इट, आई एम गोइंग टू गेट इट। ये सारे एफिलिएटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के, लाइक दिस वन ब्राउन विच इज़ अ फेमस ब्रांड। मुझे ये अच्छा लगा है जो कि 109 दिरहम्स का है और ब्राउन का सिल्क है। इसके अलावा ये भी इधर ही ये पैनासोनिक का हेयर ड्रायर अच्छा लगा है मुझे जो कि 150 कुछ का था पर अभी सेल पे 99 का मिल गया। बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट राइट नाउ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दो शॉप्स और एक्सप्लोर करूँ उसके बाद डिसाइड करूँ ताकि मुझे बाद में ये ना हो कि मैंने प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और समथिंग लाइक दैट। सो चाइनीज़ खाने का मूड था तो यहाँ पे अबू हेल एक एरिया है डेरा में, उधर एक चाइना टाउन करके रेस्टोरेंट है तो हम चाइनीज़ खाने के लिए जा रहे हैं। ऑर्डर हमने फ़ोन पे दे दिया है ताकि टाइम बचे। इन द वे टू द चाइना टाउन रेस्टोरेंट, ये आ गया चाइना टाउन रेस्टोरेंट। लकी लिए गाड़ी निकल रही है तो हमें पार्किंग ही मिल जाएगी बिल्कुल उसके सामने। दिस इज द चाइना टाउन रेस्टोरेंट वेयर वी आर गोइंग नाउ। थैंक यू, खानी पड़ा हुआ हमारे लिए, ये द ओनली वंस। हमारा खाना आ गया है सिजलिंग हॉट। दिस इज द मोस्ट टेस्टी, द टेस्टीएस्ट आइटम ऑफ दिस रेस्टोरेंट। फ्राइड राइस, क्रिस्पी चिकन चिली एंड सब खा लिया हमने। डिशेज वॉश करने की देर है, बस सब कुछ खा के ख़त्म कर लिया। खाना खा लिया है मैंने, फुल एनर्जी भर ली मैंने अपने अंदर और अब हम जा रहे हैं डे टू डे। This is the toaster we like. The price is 79 dirhams and 2 years warranty. Hair dryer देख रही हूँ आप मैं। Sunashi brand में पहले try कर चुकी हूँ, वो अच्छी होती है। मुझे ये बैग भी अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा सा डल गोल्ड सा कलर है इसका। तो I'm gonna get this bag also. किसके लिए ले रही हूँ ये मैं रिवील नहीं करूँगी क्योंकि मेरे व्लॉग्स की वजह से सब कुछ मेरा सरप्राइज जो है ना वो रिवील होता जा रहा है। पर आई एम बाइंग दिस बैग फॉर समवन। तो ये सब चीज़ें मैंने निकले से ली हैं जिनमें से कुछ चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं, खरीदते हुए कुछ बस चलते चलते उठा ली। फाइनली हमारा डे टू डे का ट्रिप भी ख़त्म हुआ, हम डे टू डे को बंद करवा के निकले हैं। काफ़ी सारा सामान ले लिया, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। रात के 12 बज चुके हैं, अब बस घर जाना है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोग क्या फीडबैक देखकर, मज़ा आता है पढ़ने में और जवाब देने में। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे, नेक्स्ट शॉपिंग या एक्सप्लोरिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।